हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से और एक नया ट्यूटोरियल के साथ हो गाइस। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रीसेट। एक ही प्रीसेट के अंदर आपको दो कलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक है मॉडी ग्रीन इफेक्ट और दूसरा है डार्क मॉडी ग्रीन इफेक्ट। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ डेमो दिखा देता हूँ, तो आते हैं स्क्रीन पर, लेट्स गो। तो गाइस हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। तो ये रहा हमारा ओरिजिनल पिक, और प्रीसेट यूज़ करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलता है। और ये रहा हमारा डार्क प्रीसेट। पहले मैं आप लोगों को डार्क प्रीसेट दिखा देता हूँ एंड इसको कर देते मैं कॉपी। ये प्रीसेट जो है हमारा DNG फाइल है, तो मैं आपको ये मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और देखो मैं पहले तो इस पिक को पेस्ट कर देते हैं, तब देख सकते हो। एंड यहाँ पर देखो बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, कुछ डार्क डार्क टाइप का आ चुका है। इसको हम हटा देते हैं, लास्ट में जो हम पोस्ट करेंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एंड अब देख सकते हो भाई काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है डार्क टोन। तो ये वाला जो प्रीसेट है, आप पहले तो अपने फ़ोटो को थोड़ा बहुत रिटचिंग कर लेना, फिर अपने पिक्चर का जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है। हाईलाइट जो पिक्चर है उसमें ये प्रीसेट काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड ब्राइटनेस कम होना चाहिए, तभी जाके ये प्रीसेट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत परफेक्ट। अब जो हमारा दूसरा प्रीसेट है, आप कैसे यूज़ करोगे, मैंने बताया आपको कि आपको एक ही प्रीसेट के अंदर दो कलर मिल जाएगा। तो ये तो डार्क वाला आपको इफेक्ट मिल गया। अब दूसरा आपको जाना है, बस सेटिंग आपको कर यहाँ पर कलर में आ जाना है एंड यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। दूसरा जो ये हमारा सैचुरेशन है ना, ये सैचुरेशन को हाई कर देना है। तो देखो कलर बहुत चेंज हो चुका है। अब इसको हम डन कर देते हैं, फिर हम कॉपी करके आपको दिखा देते हैं कि ये वाला प्रीसेट आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पर कॉपी कर लिया एंड पहले तो हम कौन सी पिक चूज़ करूँ, चलो पहले ये वाला ही चूज़ करके दिखा देता हूँ कि इसका आप कलर देखना, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड देखो काफ़ी ज़्यादा कलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसको आप दूसरा पिक पे ट्राई करते हैं, हम इसी को ऐड कर देंगे, पेस्ट। ओ भाई ये वाला तो बहुत मस्त लग रहा है, देख सकते हो इधर। तो ये जो प्रीसेट है आपको यूज़ करना है, जो बैकग्राउंड आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड देख सकते हो इधर ग्रीन ग्रीन टाइप का है, तो उसी बैकग्राउंड के ऊपर ये वर्क करेगा, नहीं तो आपका दूसरा अगर कलर की बैकग्राउंड है उसमें वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले तो आप अपना थोड़ा बहुत रिटचिंग कर लेना, फेस को थोड़ा बहुत स्मूथ कर लेना, फिर जाके ये प्रीसेट ऐड कर लेना, फिर जाके आपका पिक बहुत अच्छा लगेगा, बहुत परफेक्ट लगेगा। तो गाइस ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और प्रीसेट अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो आते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।